कैसे हैं दोस्तों? अभी अभी मैंने वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके लिए तैयार किया है, 2 घंटे हुए और आप सब लोग उसको भी देख पा रहे हैं। इस दौरान मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और एक चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है जिस चीज़ को आपको बताते हुए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग जो इस नए तरीके से, नए रूप से इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बात कही कि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, फिर से एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिए। दोस्तों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं किसी न किसी भी तरीके से आपके इस नए सफ़र में आपके कुछ काम आ पा रहा हूँ और आई विश कि ये सफ़र चलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड हो के लाइफ में बड़े से बड़े आयाम पाएँ, अपनी ज़िंदगी की सारी सफलताएं आप अचीव करें और उसको होल्ड ऑन ना रखें, उसको छोड़ के ना रखें, उन तमाम चीज़ों को आप एक एक करके अपनी ज़िंदगी में पाना शुरू करें। एक दो चीज़ें और हैं दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 1 महीने से कनेक्टेड हुए हैं और उस दौरान इतने सारे लोगों के प्रभाव में हम सब ने थोड़ा सा ये सोचा है कि हम इस लाइव सेशन को जो संडे को एक बार पिछली बार किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि हम बोथ वेज लाइव सेशन कर सकें, कि मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सकें। अभी इस YouTube के माध्यम से सिर्फ ये संभव है कि इट्स वन वे। तो जब तक वो सुविधा नहीं आती और जब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं होती और जब जब हमारे पास ये सुविधा होगी, वी डू द बेस्ट वी कैन। तो अभी लाइव सेशन इस संडे को 3 बजे आप सबके साथ करने का फिर से मुझे मौका मिलेगा। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, सो स्टंड अबाउट इट। तो कोशिश करेंगे उस लाइव सेशन में हम कुछ चीज़ों को फिर से, कुछ सवालों को फिर से उठाएं, कुछ बातों पे बात करें, थोड़ा मोटिवेशन को फिर से जगाएं और कुछ ऐसा जज्बा बना के चलें कि हम अपनी लाइफ में डे बाय डे अचीवमेंट्स को, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेनिफिशियल बना के चलते और उसको लाभ के रूप में बदलते हुए देख सकें। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत ख़ास चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक इंसान के तौर पे हम सिर्फ हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ते रह सकते। वी लिव इन दिस वर्ल्ड, वी केयर फॉर इट। हर एक चीज़ जो हमारे चारों तरफ है उसकी एक वैल्यू है और वो वैल्यू हम बढ़ाते रह सकते हैं जैसे जैसे हम हर एक चीज़ की कद्र करते हैं, हर एक चीज़ की देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, चारों तरफ लोग सजग हो के, जागरूक हो के अपने इस सृष्टि को, देश को, अपनी जगह को, अपने पूरे एनवायरनमेंट को, प्रकृति को लोग अलग अलग तरीके से संभालने, बचाने, संचित करने का काम कर रहे हैं। तो इफ़ वी पुट अ स्टेप टूवर्ड्स इट, हम किसी भी तरीके से इस चीज़ को लेके चलें, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम लोग कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी चीज़ें मन में पक्की करें, कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनाएं जो हम अपने आज आसपास के माहौल को, आसपास के मौके को, आसपास की प्रकृति को, आसपास के नेचर को हम ठीक रखने के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, लेट्स सेलिब्रेट इट। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर हम सब एक दूसरे के साथ मिले जुड़े और हम ग्रो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं। विदाउट दिस वर्ल्ड वी डू नॉट एग्जिस्ट एंड वी शुड
टेक केयर ऑफ इट। तो दोस्तों, दिस इज़ अ प्रिविलेज, एक बहुत बड़ा हमारे सामने ये मौका है, ये धरोहर है, इसकी देखभाल की जाए। लेट्स टेक अ स्टेप टूवर्ड्स इट। तो कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, लेट्स मेक इट काउंट। कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लें, कुछ ऐसे काम शुरू करें, कुछ ना कुछ ऐसी अच्छाई करें, कुछ प्रकृति के लिए ऐसी पहल करें जिससे चीज़ें मानवता के, इंसानियत के, हमारे लव्ड वंस, हमारे प्रियजनों के हित में हों, हमारे आने वाले बच्चों, पुश्तों और हमारे आने वाले परिवार के हित में हों। ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसी चारों तरफ की ऐसी परिस्थिति हम बनाएं। तो दोस्तों, लेट्स सेलिब्रेट इट। तो कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, लेट्स डू समथिंग फॉर आवर दिस मदर नेचर। एंड नेक्स्ट टू दैट, संडे को लाइव सेशन है, जैसा कि मैंने भी कहा, 3 बजे, डोंट फॉरगेट इट। आई विल अटैच द लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप वहाँ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उस लिंक के द्वारा आप अपने आप को पूरी तरह से अपडेट रख सकते हैं, जब भी वो लाइव सेशन शुरू होगा आप जुड़ें और फिर हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे पॉजिटिव। बहुत मुश्किल से ये मौका मिलता है कि हम चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकें और उसमें अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकें। तो ये मौका मिला है, लेट्स सेलिब्रेट इट। इन द सेम टाइम, लेट्स बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रांग। थैंक यू वेरी मच।